नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे और आसपास के जिलों के 23 भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के सपने देख रही है, लेकिन उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभी उन्हें यह तक नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कुमारी सहजा का अपमान करने का काम किया। वहीं भाजपा एकजुटता के साथ चुनाव में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस में गुटबाजी है और भारी विद्रोह है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। एक बार सारे पीछे चले जाते हैं, ये चालू हो गया, बस वही से ले। यहाँ आज इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। मैं आज आप सभी पत्रकार साथियों को भी, देश के 140 करोड़ लोगों को, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार बनी, तीसरी बार की सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। और 100 दिनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश हित में 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की, जो एक ऐतिहासिक है। आज से पहले जितने भी सरकारें बनी, 100 दिन के अंदर इतनी 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू कर पाए, इस प्रकार की किसी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो देश हित में जो काम किया, ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए जो निस्वार्थ भावना के साथ काम किया है, एक बहुत बड़ा। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से देश की ताकत को बढ़ाने का काम किया है, देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 दिनों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परिश्रम करके जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ रुपए की ऐसी रेलवे की परियोजना, सड़कों की और बंदरगाहों की, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। और इन परियोजनाओं में देश के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के साथ साथ समाज के अन्य सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित की गई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।